एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन क्या है? अ 6.5 लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल रीचिंग अ हाइट ऑफ 6 मीटर। अ 60 केजी मैन स्टैंड हाफ वे अप टू द लैडर। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द लैडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर। अज्यूम द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मैन एंड अज्यूमिंग द वॉल टू बी स्मूथ। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई द ग्राउंड ऑन द लेडर। ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक लेडर है जिसका लेंथ क्या है? लेंथ दे रखा है 6.5। लेंथ 6.5 है और हाइट कितना है? ये हाइट गिवन है 6 मीटर। ये 6 मीटर है और ये 6.5 है। देखो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस गिवन है, हाइट गिवन है, तो बेस निकाल सकते हैं। बेस कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो रूट 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कुछ 2.5 आएगा। तो बेस कितना आ जाएगा? 2.5। किसी एक को थीटा मान लो। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक पर्सन है जिसका वेट 60 केजी है, हाफ ऑफ द लेडर, तो लेडर के हाफ के ऊपर है यानी यहाँ पे है, तो इसका वेट लग रहा है mg। कितना? 60 केजी का है तो 600 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मैंने जी को 10 लिया है। ओके, अब पूछा है टॉर्क अबाउट, इसका नाम देता है ABC। तो टॉर्क अबाउट अपर मोस्ट पॉइंट, इस पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। किसका? इस मेन का यानी बी पॉइंट का। तो देखो यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो चेक कर लो एक बार। एक तो नॉर्मल इधर लग रहा है N1, एक नॉर्मल इधर लग रहा है N2, और एक यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, राइट? ओके, तो हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो हम बोल सकते हैं N2 शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, फोर्स नेट जीरो होगा ना, तो लेफ्ट राइट फोर्स सेम होगा और अप डाउन फोर्स सेम होगा। N1 इज इक्वल टू mg, राइट? तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 न्यूटन, राइट? N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जितने फ्रिक्शन की होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है टॉर्क अबाउट सी पॉइंट ड्यू टू दिस mg। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टॉर्क अबाउट सी ड्यू टू mg क्या आएगा? आर परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स mg। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखो ये डिस्टेंस से वो होगा, इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो इस थीटा कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 6.5 का हाफ या 6.5 अपॉन 2 का कॉस कंपोनेंट, यानी आएगा 6.5 अपॉन 2 का कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटू mg, राइट? तो वैल्यू पुट करता है 6.52। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये एंगल सेम है थीटा थीटा, और हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 6.5 और ये थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आएगा 2.5 अपॉन 6.5, और mg कितना है? 600। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने को टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क कितना आएगा? 735 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क अबाउट सी ड्यू टू mg आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लेडर। तो देखो ग्राउंड की वजह से लेडर कहाँ कहाँ फोर्स लगा रहा है? एक तो नॉर्मल लगा रहा है N1, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है, राइट? तो यहाँ पे अपने को दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो N1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और एक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो N1 की वैल्यू तो क्लियर है 600 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, टॉर्क अबाउट ए देखो। तो टॉर्क अबाउट ए देखता हूँ तो ड्यू टू mg आएगा और ड्यू टू N2 आएगा। तो नेट टॉर्क अबाउट ए कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम कहाँ है? रेस्ट में है। तो इसके अबाउट टॉर्क देखता हूँ, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए क्या होगा? नेट टॉर्क जीरो होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू mg इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू N2 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। एक ये वाला क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, राइट? तो यहाँ पे mg का टॉर्क कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना ये है, तो ये मान लो अपना सिक्स, ये कितना? 6.5 अपॉन 2 का कॉस कंपोनेंट आएगा। ये कितना आएगा? 6.5 अपॉन 2 का कॉस कंपोनेंट। तो ये लिख सकता हूँ मैं 6.5 अपॉन 2 का कॉस कंपोनेंट यानी कॉस थीटा, और ये आएगा mg इज इक्वल टू, और ये कितना है इसके लिए? इसके अबाउट
इसके लिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा कितना आ रहा है 6 मीटर, और ये एन टू, राइट। तो यहाँ से एन टू की वैल्यू आ जाएगी, एन टू इज इक्वल टू आ जाएगा 6.5 अपॉन 2, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी 2.5 अपॉन 6.5, और एम जी की वैल्यू 600 और ये अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एन टू की वैल्यू आ जाएगी, एन टू की वैल्यू कितनी आएगी 122.5, ये किसका आ जाएगा एन टू की वैल्यू। तो जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है, एक तो फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू एन टू के इक्वल है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 122.5। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स इन दोनों, एक तो ये एन फ्रिक्शन है और एक एन वन है। अगर हमें नेट फोर्स चाहिए तो हम इन दोनों का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सॉल्व कर देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट।